साइकिल स्टेप अप का, बच्चा लोग का जो 3 चक्के वाले साइकिल होते हैं, तो वो आज ऑर्डर किए हैं हम लोग, तो आया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसको आज असेंबल करेंगे, तो ब्लॉग के साथ बने रहिए। ये देखिए, एक चक्का पहले से असेंबल करके इसमें आती है, स्टेप अप की है ये, और बाकी सारे अभी निकाल चुके हैं, ये पैक थे सब के सब, अभी सारे निकाल दिए, इस बॉक्स में पैक थे। और इस बॉक्स का कंडीशन देख सकते हैं किस तरह लाया गया है। तो ये देखिए, इतना सारा असेंबल होके ही आता है, इसमें करना क्या, कुछ नहीं। ये चक्का पहले से फिक्स होकर आती है इसके साथ, तो सबसे पहले हम लोग चक्का लगाते हैं। तो ये देखिए, इस तरह का कुछ रहेगा, और इसको एक बार देख लीजिएगा, ये इसका उल्टा वाले साइड इस टाइप का रहेगा। ये है लेग स्टैंड है, यहाँ पे पैर रखने का, बच्चे लोग का पैर रखने वाला जाएगा। ये देखिए, ये यहाँ पे लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग चक्का लगाते हैं इस तरह करके, इसके अंदर से, यहाँ पे देखिए थोड़ा होल रहता है, इसके अंदर रखेंगे, और यहाँ से ये निकल गया, ये पहला चक्का फिक्स हो गया। और दूसरे चक्का के लिए आपको सामने से दिखाता हूँ, पहले चक्का निकाल लेता हूँ मैं। ये देखिए, ये दोनों चक्का, थोड़ा कैमरा सामने लेके आइए। दूसरे चक्का लगाने का तो जुगाड़ है नहीं, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा और सामने लाइए यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पे एक दो बटन होंगे ब्लैक कलर का, इसको जब क्लिक करेंगे, प्रेस करके रखेंगे, प्रेस करके रखेंगे, और ये देख रहे हैं, ये एक बोल्ट टाइप का है, इसको पकड़ के खींचेंगे तो ये निकलेगा यहाँ से। उसके बाद सिंपली इस चक्के को यहाँ रखनी है। सबसे पहले इसको पैक कर लेते हैं इसके अंदर, फिर से इसको प्रेस करके रखेंगे और इसके अंदर ये डाल देंगे। ये हो गई पहला चक्का फिक्स, और दूसरे चक्का भी ऐसे ही सेम करेंगे, इसको प्रेस करके इसको निकाल लेंगे, इसको इसके अंदर रख के फिर से प्रेस करके इसको यहाँ पे पैक कर देंगे। ये देखिए, चक्का फिक्स हो गई। और चक्का फिक्स होने के बाद हम लोग सबसे पहले ये हैंडल लगाते हैं, ये देख रहे होंगे इस तरह का कुछ है, और सामने ले जाइए। हैंडल के साथ ये भी लगता है, तो ये देखिए, ये सबसे पहले इसको हम इसके अंदर रख लेंगे इस तरह करके, और उसके बाद ये हैंडल है। अच्छा, ये हैंडल कुछ यहाँ पे प्रेस करने वाला रहेगा, इसको दोनों को दबा के इसके अंदर पुश करेंगे, बस चला गया। यहाँ पे ऑलरेडी होल रहता है, छोड़ देंगे, अंदर से वो निकल जाता है, और इसको थोड़ा हम लोग टाइट कर देंगे। ये हो गई टाइट, इसको लास्ट वाले नीचे वाले देख रहे हैं, यहाँ पे दो होल, एक बड़ा वाला है, एक यहाँ पे छोटा वाला है, तो इसको ऊपर में नहीं, इसको नीचे वाले में पैक करनी है। तो उसके लिए अगर ऊपर वाले में करिएगा तो वो लूज हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये ढीला पड़ जाएगा, ये इसीलिए थोड़ा इसको लूज करके नीचे वाले में, ये देखिए नीचे वाले में आ गया। अब ये देखिए, ये पूरा एकदम फिक्स हो गई है, लूज नहीं है, बस इसको टाइट कर देते हैं यहाँ पे। ये फिक्स हो गई, और अब इधर वाले का सीट पहले फिक्स करते हैं, इसके सीट को लगाने से पहले ये पीछे का जो हैंडल कंट्रोलर है उसको फिक्स करते हैं। आप देख रहे हैं इसके साथ ही आता है ये, इसको बताता हूँ कैसे ऐड करनी है। उसके पहले इसके साथ एक एक्सटेंडेड पाइप आती है, ये इस तरह करके लगेगी यहाँ पे। ये यहाँ एक नट बोल्ट रहता है, अलग ही गिर गया, यहाँ से खोल लेंगे, खोल के ये वाली पार्ट जो है इसको नीचे रखेंगे, और इसके अंदर से ही बाहर निकालेंगे। ये हुआ, अब इसको यहाँ पे टाइट कर देते हैं ताकि नीचे ना गिर जाए, यहाँ पे होल जाता है इस तरह करके। ये लगाने के बाद हम लोग इसको लगाएंगे, यहाँ पे भी देखिए एक फ्लेक्सिबल मतलब प्रेस करने वाली बोल्ट रहेगी, नट बोल्ट, इसको इसके अंदर इन कर देंगे। ये देखिए, ये हो गई यहाँ पे, अब इसको यहाँ लाके मैं टाइट कर देता हूँ।
ये आप अपने हिसाब से जितना ऊंचा नीचा करना हो वो कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए जगह दिया हुआ, होल दिया हुआ, छोटा करना चाहते हो तो इसको और नीचे लाइएगा, यहाँ से प्रेस करके थोड़ा और नीचे लाइएगा, ये छोटा हो जाएगा, और नीचे लाना है तो और नीचे लाइएगा, छोटा हो जाएगा। लेकिन मैं यहीं पे फिक्स कर देता हूँ, अब इसको टाइट कर देता हूँ। ये हो गई, अब इसको इस्तेमाल करते हैं, ये इसके कंट्रोलर, इसको अगर घुमाएंगे तो ये चक्का भी मूव करेगा आगे वाला, तो अभी तो फिलहाल वो वर्क नहीं कर रहा है, तो अभी दिखाता हूँ इसको कहाँ लगाना है। इधर चाहिए, इसमें देख रहे हैं एक नट और बोल्ट लगा हुआ है और यहाँ पे एक जुगाड़ लगा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ एक होल है, यहाँ पे एक होल है, तो इस होल में इसको ऐसे लगाएंगे यहाँ से, और ये कंट्रोलर वाली जो है यहाँ पे भी एक जुगाड़ है, तो यहाँ पे इसके वोल्ट नट को लगाएंगे, इसके चक्का को थोड़ा आगे पीछे करने के बाद ही ये वर्क करेगा। उसके बाद इसको टाइट कर देंगे यहाँ से, अब देखिए इसको घुमाने पे ये कंट्रोल होती है, क्योंकि बच्चों को अगर पीछे से थोड़ा सपोर्ट करना है तो यहाँ से आगे हैंडल उंडल घुमाना हो तो ये सारी कंट्रोल होती है, हैंडल भी और चक्के भी इससे कंट्रोल हो जाते हैं। अब हम लोग आते हैं इसको लगाते हैं, ये लगता है यहाँ पे पीछे, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए इसका शेप कुछ इस तरह है, तो इसको पहले यहाँ से खोल लेते हैं, खोलने के बाद यहाँ कुछ इस तरह अटैच कर देंगे, अटैच करने के बाद इसको फिक्स कर देंगे जहाँ पे ये था पहले से, क्योंकि यहाँ इस साइड से थोड़ा जुगाड़ लगा हुआ है, इसको टाइट कर देंगे। अब आपको दिखाता हूँ इधर वाले पार्ट, ये सारी की सारी तो हो गई है, अब सीट को पहले प्लेस करते हैं सीट के लिए। यहाँ देखिए ये नट बोल्ट अलग से रहेंगी साइड में, या आपके सीट के साथ तो नहीं रहेंगे, ये प्लास्टिक में था मैंने निकाल के इसमें अटैच किया था, इसमें और कुछ रहेंगे इस तरह करके वॉशर रहेंगे, तो ये आपको निकाल लेनी है पहले, एक एक के इसमें अटैच कर लेनी है दोनों वाले बोल्ट में, और एक के यहाँ पे लगानी है पीछे में, तो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए एक दो होल होंगे, एक आगे एक पीछे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहाँ लगाएंगे, मैं पीछे वाले में लगाऊंगा, और इसके सीट में भी होल है देख रहे हैं यहाँ से निकला हुआ है, तो ये इसमें लगेगी और दूसरा इसमें, दूसरा वाला देखता हूँ ये लग रहा है, थोड़ा साइज का भी छोटा बड़ा हो जाता है, कोई इशू नहीं है। तो वॉशर का साइज छोटा बड़ा हो जाएगा, और इसको यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत के बाद ये भी फिक्स हो गई है, यहाँ पिन हो गई है, अब इसको इसके अंदर अटैच करनी है, एक ये वाले होल में दूसरे ये वाले होल में, यहाँ दोनों हो गई है, और देख रहे हैं यहाँ दो और वॉशर लगे हुए हैं, दो नट है यहाँ पे, इन दोनों को इसके नीचे लगानी है, एक एक करके लगाते हैं, एक वॉशर नीचे दिखाओ, नीचे इधर से एक वॉशर और एक नट, ये दोनों को यहाँ पे लगा के इसको टाइट कर लेते हैं ऊपर से, दूसरे वाली सेम करना है, पहले वाले वॉशर यूज कर लेंगे, यहाँ पे नीचे से एक नट लगा देंगे, ये पूरा फिक्स हो गया है। ये सीट बेल्ट आराम से बच्चे लोग इसको अटैच करके बैठ सकते हैं। अब और बाकी रह गई है, ये पेंडल अभी यूज कर लेते हैं, यहाँ पे इस तरह से आएगी, तो इसको यहाँ पे हम लोग इस तरह करेंगे, सीधा कर लेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये नट बोल्ट वाला दोबारा आ जाएगी।
ये लेग स्टैंड, तो यहाँ पे पैर का छाप दिया होगा तो आपको तो उसी हिसाब से रखनी है। यहाँ देखिए अंगूठा इधर है, मतलब वो राइट हैंड साइड का है और ये है लेफ्ट हैंड साइड का। तो इसको पहले नीचे से ऊपर उठा लेंगे। यहाँ भी एक नट बोल्ट लगा हुआ है साइड में, देख लीजिए इधर पे, यहाँ से इसको लगाएंगे। और यहाँ पे भी सपोर्ट रखा हुआ है, सपोर्ट दिया हुआ है, तो इस तरह कर लेंगे। पहले वाले जैसे किए दूसरे वाले को भी सेम करनी है। यहाँ से लगा लेनी है और यहाँ बोल्ट नट को टाइट कर देनी है। ये टाइट हो गई है, अब बस बाकी रह गई है दो चीज, एक वाटर बोतल और दूसरा घंटी। ये वाटर बोतल मैं आपको बता देता हूँ, और इसमें देखिए ये वाटर बोतल को अटैच करने के लिए है। इसमें दो नट रहेंगे, यहाँ पे निकला रहेंगे, तो एक यहाँ लगानी है, यहाँ पे देखिए यहाँ दो होल होंगे इसके लिए सपोर्ट होंगे, तो एक यहाँ लगानी है नट को और दूसरी इस जगह पे लगा के इसको अटैच करनी है। ये टाइट हो गया है, तो इस वाटर बोतल को जस्ट इस तरह यहाँ रख देंगे। ये हो गया, अब बस एक बाकी है ये घंटी। इसमें एक छोटा सा नट रहेगा, देखिए इस तरह का, ये घंटी को यहाँ पे लगानी है। तो पहले इस तरह करके लगानी है, उसके बाद इसको टाइट कर देंगे। हो गई है और अपना साइकिल तैयार हो गया है। ये देखिए गाइस, तो ये है ट्राई साइकिल बच्चों का, जो कि स्टेपअप कंपनी की है। तो देख ही सकते हैं, मैं एकदम पीछे से कंट्रोल कर देता हूँ। देख ही रहे हैं कितना शानदार चल रहा है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब।